कर ही आते जाते थे। तब यह कबूतर के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हो बराबर, कि कबूतर के द्वारा हम संदेशा भेजा करते थे। उसके बाद राजाशाही जब थी तब कोई कागज में या कोई ऐसा कपड़े का टुकड़ा हो जिसे अच्छी तरह से सजाया हो और उसमें से स्याही में कलम डुबोकर लिखा जाता था और वह किसी दूत को भेजकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक संदेशा भेजा जाता था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोस्ट द्वारा बराबर, जिसमें हमने यहाँ पर जो पत्र देखे हैं, यहाँ पर ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो टपाल है ना पीले रंग की, जिसमें यहाँ पर जो लाइन की हुई है यहाँ पर पता लिखा जाता था और इसके पीछे और यहाँ जो हमें लिखना है, जो बातें हमें कहनी है वह इसमें लिखते थे। हालांकि इस पत्र में बातें गुप्त नहीं रहती थी क्योंकि ये पत्र ऐसा ही था। मेरी बात सुनाई देती है ना सबको बेटा गर्ल्स? यस ओके, तो यह जो पत्र है पीले रंग का उसे पोस्ट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट कार्ड बराबर, जिसमें कागज जो है उस कागज में जो हम बातें लिख सकते हैं वह लिमिटेड है क्योंकि आगे और यह पीछे और आधे में तो पता आ जाता है, तो बहुत सी बातें हम नहीं लिख सकते, थोड़ी ही बातें हम लिख सकते हैं। और इसमें बातें जो है जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये आ जाए तो उलट पुलट कर वह पढ़ सकता है, तो इसीलिए बातें यहाँ पर गुप्त नहीं रहती थी। तब जाके यह जो लिफाफा है, यह सफेद उसके नीचे आप देख रहे हैं ना, मैं लाइन कर रही हूँ, वह लिफाफा है बराबर। यह लिफाफे का उपयोग होता था जिसमें अलग कागज पर ज्यादातर जो बातें हमें कहनी थी वह लिखकर वह कागज इसके अंदर हम डाल देते थे और फिर बंद कर देते। तो इस प्रकार लिफाफा जो है उसका भी उपयोग होता था। और ज्यादातर यह जो लिफाफा है उसका उपयोग बहने करती थी अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए। आपको यदि राखी भेजनी है तो इस लिफाफे के अंदर भेजकर उसमें बंद कर दीजिए बराबर। तो इसी प्रकार लिफाफे के अंदर कई बहनें राखी भी भेजती थी और चिट्ठियां भी भेजते थे। समय पसार होने के बाद आविष्कार, नए नए वैज्ञानिकों ने आविष्कार की शुरुआत की, तो उसमें मोबाइल की शोध हुई। और यह जो मोबाइल है वह आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस मोबाइल पर हम बात कर सकते हैं, किसी को देख सकते नहीं, किसी को सामने ला सकते नहीं या हमारा चेहरा दिखा नहीं सकते, सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते हैं वह भी बहुत ही कम समय में। और मोबाइल जो है वह ऐसी सुविधा है कि मनुष्य जहाँ पर भी जाता है उसे लेकर जाता है और जहाँ पर भी जिस किसी जगह पर भी होगा और वहाँ फोन आएगा तो वह अच्छी तरह से बातचीत कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि का आविष्कार हुआ जिसके कारण मनुष्य देश के किसी भी कोने पर अपने जो भी रिलेशन यानी कि जो भी संबंधी है उसके साथ घर बैठे बैठे ही आमने सामने बात कर रहा होता है बराबर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आज हम वो कोसों दूर दुनिया के किसी भी कोने में हमारे रिश्तेदार हैं,
तो फोन के द्वारा हम उसके साथ बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे वह हमारे सामने ही बैठे हो। उसकी हर हरकत हम देख सकते हैं, उसकी परेशानी हम महसूस कर सकते हैं, उसके आसपास का वातावरण देख सकते हैं, यानी कि सभी कुछ मोबाइल के द्वारा आज हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार पत्र व्यवस्था जो है वह हुई, और वैज्ञानिक आधुनिकरण के कारण आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि मनुष्य एक दूसरे के सामने बैठकर ही बात कर रहा हो ऐसा उसे लगता है, बराबर। फिर मैंने आपको यह चित्र दिखाया था, पता है आपको? यह चित्र मैंने आपको दिखाया था, पता है किसी को? गर्ल्स, गर्ल्स, मिस, ये चित्र लाइब्रेरी का है। यह चित्र लाइब्रेरी का है, बराबर। लाइब्रेरी में क्या होता है? बहुत बुक्स सारी बुक्स, बुक्स वेरी होते गुड। बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में, यानी कि जो पुस्तकें होती है मोबाइल के द्वारा। आप मोबाइल में देख सकते हो कि हमें संदेशा किस प्रकार भेजा जाता है, कम समय में आमने सामने बात कर रहे हैं। साथ ही आज बुक्स जो है वह हमारी मित्र बन गई है, यानी कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। बुक जो है वह हमारे अकेलेपन का साथी है। फिर मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था कि हमारे जीवन में बुक का क्या महत्व है, आप इसके बारे में लिखना। लिखा है किसी ने? गर्ल्स, आपको पता है हमारे जीवन में बुक का क्या महत्व है? कौन बताएगा? तैतीस नंबर, 33 नंबर, मिस, आप बताइए हमारे जीवन में बुक का क्या महत्व है? हमारे जीवन में बुक फिर हमें किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हमें बुक मिल करने से ही। सकती है, वेरी गुड। फिर फिर परीक्षा के वक्त हमें उससे बात कर सकते हैं। और बुक्स में क्या क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई ही होती है या और भी कुछ होता है? होती फिर है जानकारी होती है ओके, चलो 30 नंबर, और बुक हमारा मित्र है। फिर बुक हमारा मित्र है। 30 नंबर, 30 नंबर, 6 नंबर, मिस, आप बताइए हमारे जीवन में बुक का क्या महत्व है? मैं रोल नंबर लिख लेना, लिख हाँ बोलिए लीजिए। बेटा, कौन पंद्रह सा? ओके पंद्रह बेटा, ओके बेटा, हमारे जीवन में बुक का क्या महत्व है? 6 नंबर, आपको पता है बेटा? हाँ बताइए। देती है। एक साल में एक दिन पुस्तक दिन मनाया जाता है, आपको पता है वो किस तारीख को मनाया जाता है? नहीं पता? विश्व पुस्तक दिन हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल के दिन क्या मनाते हैं? विश्व पुस्तक दिन।
और जो हमारे लेखक थे विलियम शेक्सपियर, बराबर, उसका जन्म 1925 में हुआ था। और उन्होंने न्यू एस्के में अप्रैल महीने से समग्र विश्व में, जो 23 अप्रैल का दिन था ना, वह उन्होंने विश्व पुस्तक दिन के निमित्त उसने मनाया जाने का जाहिर किया था, यानी कि अनुरोध किया था। और आप आज देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वह मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है कि पुस्तक है वह एक और छोड़ देता है, यानी कि पुस्तक पढ़ने में वह आलस कर रहा है। तो इसी पुस्तक को पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, जो लाइब्रेरी में अनेक पुस्तकों है उसका उपयोग करने के लिए शेक्सपियर ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिन के निमित्त मनाए जाने की सोची। और तब हर एक व्यक्ति है वह बड़े चाव से अनेकों लाइब्रेरी में जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, और पुस्तकें पढ़कर वह पुस्तकों के बारे में, पुस्तक के अंदर के विषय वस्तु को तो जानते ही है, साथ ही वह लेखकों का पुस्तकों में क्या योगदान है वह भी देखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार पुस्तकें जो है वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ऐसा ही हम पाठ आज पढ़ने वाले हैं। कौन सा पाठ? पुस्तक हमारी मित्र। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? हमारा मित्र है हिंदी पुस्तक हमारी मित्र। यहाँ पर में। आपको पत्र के द्वारा यह पाठ दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया उसी प्रकार आज मोबाइल आने के बाद पत्र किस तरह से लिखा जाता है, पत्र का ढांचा क्या है, यह मनुष्य भूल गया है, क्योंकि मोबाइल में ही वह अपने सगे संबंधी के साथ इतनी अच्छी तरह से आमने सामने बैठकर बात कर लेता है कि उसे पत्र व्यवहार की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपकी नई पीढ़ी है उसे पत्र किस प्रकार लिखते हैं वह पता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर यह जो पुस्तकों का महत्व पाठ है हमारे पाठ्य पुस्तक में, वह एक पत्र के द्वारा दिया गया है। एक पत्र है वह दूसरे मित्र को, एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है, और पत्र में ही वह पुस्तक के महत्व के बारे में किस प्रकार बताता है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले रोल नंबर 6, 73 आपके अभी 6 रोल नंबर है? हम हाँ, तो पढ़िए। सबसे पहले पत्र में देखिए, जो भी पत्र लिखता है उसका पता यहाँ पर दिया जाता है, किस ओर? दाहिनी ओर, बराबर। तो यहाँ पर कौन सा पता लिखा हुआ है 6 नंबर? नहीं बोलिए बेटा। उमिया नगर सोसाइटी। हेलो, हाँ मिस। आप पढ़िए बेटा। सोसाइटी यहाँ पर यह कौन सा दिया गया है? मुंद्रा हम्म, जिला पक्ष दिनांक ओके नमस्ते। ओके, सिर्फ पता ही पढ़ना है आपको। 19 नंबर यस मिस। पता पढ़िए बेटा। एक सौ 85
मिया ऊंचा, नगर। ये क्या है? 95 को क्या कहते हैं हिंदी में? 85 नहीं है, 95 है। देखिए उसे क्या कहते हैं हिंदी में? 195। एक सौ पचास 195 उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ दिनांक चार, 4/8 फिर आठ को, आठवां महीना कौन सा है? आठवां अगस्त मई। हाँ, तो 4 अगस्त 4 अगस्त 2000। 2011 वेरी गुड। तो इसी प्रकार यह पता आपको एक मास के प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बराबर। उमियान 195, उमिया नगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ दिनांक 4 अगस्त 2011 को। बराबर। फिर यह जो मित्र है उसका नाम था पूजन। पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र लिख रहा है। तो जिससे भी हम पत्र लिखते हैं उससे हम संबोधन करते हैं। यदि हमारे कोई पूजनीय है, हमसे बड़े हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पता है आपको? यहाँ पर किस प्रकार संबोधन करेंगे पता है आपको? नमस्ते 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 तो करेंगे, मगर उससे पहले प्रिया। प्रिय, तो जो आप अपनी सखी को पत्र लिख रही है तो आप प्रिय लिखेंगे, मगर अपने पिताजी को या अपने शिक्षक को पत्र लिख रही है तो आप किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? आदरणीय वेरी गुड। आदरणीय, पूज्य आदरणीय, पूज्य, ऐसा हम संबोधन करेंगे। बराबर। और यदि आपको पत्र है वह किसी दफ्तर में सरकारी अफसर को आपको लिखना है या कोई बड़े होदेदार को लिखना है, तो उससे आप क्या आदरणीय अथवा तो माननीय इस प्रकार लिखेंगी। बराबर। चलो, रोल नंबर 14। रोल नंबर 14 प्रेजेंट हो बेटा आप। 25, रोल नंबर 25। चौदह हाँ पढ़िए बेटा। नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। पिछले होंगे। कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, पर पाठशाला में वांछित अभियान। अभियान अंतर्गत। अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें तमीन हो गया था। ओके। यहाँ पर देखिए, पूजन नाम का लड़का जो है वह अपने प्रिय मित्र मनोज को कई दिनों से पत्र लिखने के बारे में सोच रहा था, मगर उसे फुर्सत नहीं थी, यानी कि उसके पास समय नहीं था। क्यों समय नहीं था? तो कि वह उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान जो है उसके अंतर्गत उसने उस प्रवृत्ति में हिस्सा लिया था, यानी कि भाग लिया था। बराबर। वांचे गुजरात अभियान मैंने आपको बताया, उसी प्रकार एक दिन ऐसा होता है जब लोगों को पुस्तकें पढ़ने का महत्व व पुस्तकें पढ़े उसके अभियान के बारे में, यानी कि जैसे कि हम स्वच्छता अभियान करते हैं और वह 10-15 दिनों तक चलता है, और अलग अलग शहर की हम स्वच्छता करते हैं, अलग अलग स्थल में जाकर उसे स्वच्छता के बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ यह जो पूजन था
उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था। एक मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा अभियान चल रहा था अथवा तो पूजन है वह क्यों कई दिनों के बाद मित्र को पत्र लिख रहा है। तो आपको लिखना है कि पूजन जो है वह वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत जो प्रवृत्तियां चल रही थी उसमें व्यस्त था, इसीलिए कई दिनों के बाद अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता है। बराबर, वहां आगे देखेंगे तो इनमें उसने हिस्सा लिया था और उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां थी। फिर वह इसी विषय को लेकर अपने मित्र को पत्र लिखता है, क्या कहता है? और रोल नंबर 25 आगे बढ़िए बेटा, रोल नंबर 25। हाँ मिस, नीचे से तीसरी लाइन, मित्र मित्र तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सलीलत सम्मिलित सम्मिलित हुए होके अभियान के सरदम में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ओके, अब देखिए यह पुस्तक की वांचे गुजरात प्रवृत्ति के अंतर्गत यह पूजन अपने मित्र को लिख रहा है कि जिस प्रकार मेरी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान चल रहा था, हो सकता है कि तुम्हारी पाठशाला में भी यह वांचे गुजरात अभियान की प्रवृत्ति चल रही हो और तुमने भी उसमें सम्मिलित होना यानी कि तुमने भी उसमें हिस्सा लिया होगा, भाग लिया होगा। तो इस अभियान के अंतर्गत, जैसे कि हम स्वच्छता के अभियान के बारे में हो तो हम कहते हैं कि स्वच्छता ही प्रभुता है, जहाँ स्वच्छता है। हाँ हाँ बेटा, कौन सा अभियान था? यह वांचे गुजरात अभियान, यानी वांचे गुजरात अभियान यानी कि देखो आजकल लोग जो है ना वह मोबाइल में ही हर एक जानकारी प्राप्त कर लेता है। बराबर, मोबाइल में जब जानकारी मिल सकती है तो वह पुस्तकें लेने का या पढ़ने का वह सोचता नहीं। तो पुस्तक किस प्रकार मनुष्य के जीवन में उपयोगी है, पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए, और मोबाइल में भी अमुक जो बातें हैं वह सीमित है, जो पुस्तकें पढ़कर उसके अक्षर, उसके लेखक आदि के बारे में हम जान सके, उसके विचार को हम पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक हो जैसे, बराबर, तो उस जिस लेखक ने भी लिखी है उसमें उसके क्या विचार है, उसका कितना योगदान है, उसके आसपास उसके समाज की क्या परिस्थिति थी जो उसने इस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है, वो सारी बातें हम पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। मगर मोबाइल के कारण लोग आज पुस्तक के पढ़ना भूल गए हैं, तो इसीलिए हम पुस्तक लोग पढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तक पढ़े, तो इसका एक अभियान यानी कि उसकी एक व्यवस्था लोगों को समझाने की, पुस्तकें नए नए रखने की, जिस प्रकार हम कैसे अपनी पाठशाला में, आपको पता होता हो तो हम लाइब्रेरी जो है उसका उसकी नई नई जो पुस्तक आई हुई है उसकी जानकारी देते हैं, फिर बुक रिव्यू का प्रोग्राम हम रखते हैं जिसके अंतर्गत कोई एक बुक है आप पढ़ते हैं, उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं, फिर बिना बुक देखे उस बुक के लेखक उस बुक की जानकारी देते हैं और आपका कहते हैं कि लाइब्रेरी में इससे भी बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं तो आप जरूर पढ़ना, कहती हो ना बुक रिव्यू में। हाँ मिस। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो अभियान चल रहा था यानी कार्यक्रम, अभियान यानी कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? तो पुस्तकें पढ़ने के बारे में जो जानकारी दे, वांचे गुजरात
गुजरात यानी कि गुजरात की सारी पब्लिक अनवाचे यानी कि पुस्तक पढ़े, ऐसा जो कार्यक्रम था वह वाचे गुजरात अंतर्गत था। अब समझ में आ गया अभियान? हाँ मिस। ओके बेटा, तो इसके अंतर्गत तुमने यानी कि यह कार्यक्रम जो है वह तुम्हारी पाठशाला में भी हुआ होगा और तुमने भी उसमें भाग लिया होगा। फिर कहते हैं कि यह अभियान, यह कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार जो है उसने एक सूत्र घोषित किया। कौन सा सूत्र? तो कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, यानी कि जो पुस्तक के मित्र है वह हमारे भी मित्र है। इस प्रकार का एक सूत्र सरकार ने, राज्य सरकार ने घोषित किया। यह आपको एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया, तो जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, बराबर। चलो उसके बाद 25 नंबर आपने पढ़ा बेटा, आपने पैराग्राफ पढ़ा ना, नंबर 25 नंबर ने पढ़ लिया, 9 नंबर बोलू? अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आपकी बारी आएगी बेटा। चलो 63 नंबर है बेटा, 63 नंबर, हाँ पढ़िए बेटा। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सब सभा का मित्र है, वे हमें न्याय ज्ञान देते हैं। एवं भले बुरे एवं भले बुरे का फर्क यानी कि भेद फर्क बताते हैं। पूछिए गांधी जी, पुस्तके मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मिस फोन आएगी। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है उस मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। वेरी गुड। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पूजन जो है वह अपने मित्र को कहता है कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का क्या महत्व है वह मैं लिख रहा हूँ। यानी कि किताबें हम सभी की मित्र है। इससे पहले किताब जो है वह हमारी मित्र है, वह कहता है। कौन कहता है? पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र में लिखता है, बराबर। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पत्र किसने किसको लिखा, तो वह भी आपको याद रखना है। पूजन ने मनोज को लिखा, मनोज ने पूजन को, पूजन ने मनोज को, ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो जाए, बराबर। पूजन ने मनोज को पत्र लिखा, बराबर। तो वह लिख रहा है कि किताबों का महत्व हमारे जीवन में क्या है। तो वह कहता है किताबें हमें ज्ञान देती है। किताबें हमें क्या देती है? ज्ञान देती है। यानी कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम किताबें पढ़कर जान सकते हैं, बराबर। जब आप पहली बाल मंदिर में थी तो आप इतना पढ़ लिख नहीं पाती थी या लिख नहीं पाती थी, मगर धीरे धीरे आपने एक एक पुस्तक पढ़ना शुरू किया। क सीखा, ख सीखा, फिर धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना सीखा। अब इससे पहले हमने एक काव्य पढ़ा कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। यदि मैं आपको उसके बारे में पूछूं कि यह क्या है, चलो यह सब आप एक साथ गाओ,
तो आप अच्छी तरह से उसे गा सकती है, समझ सकती है। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक में उस काव्य को आपने समझा है, उसे जाना है, उसे पढ़ा है। और काव्य में प्रभु ईश्वर अल्लाह की बंदगी के बारे में बात की है, यह आप काव्य पढ़कर समझ चुकी है। तो इसी प्रकार वह प्रार्थना गीत है, अल्लाह की बंदगी देना, सभी मनुष्य समान है, नेक रास्ते पर चलना है। तो यह काव्य से हमें यह ज्ञान मिला। तो इसी प्रकार पुस्तकें पढ़कर हम नया नया ज्ञान जो है वह प्राप्त कर सकते है, एवं भले बुरे का फर्क बताती है। भले बुरे का फर्क, आप मोरल्स में अनेक किस्से सुनते हैं, सुनते हैं ना मोरल्स में कहानियों के द्वारा, गर्ल्स आप मोरल्स के किस्से सुनते हो ना? हाँ मिस। तो उसमें ऐसा सिख कहानी के अंत में ऐसा होता है कि देखो, यह बुराई करना हमारे जीवन में अच्छा नहीं। तो कोई ऐसी कहानी है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। कोई ऐसी कहानी है जिसे हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख मिलती है। जिस प्रकार फिफ्थ की क्लास में आप सच्चा बालक पाठ पढ़ चुकी है, फिफ्थ क्लास में आपने सच्चा बालक पाठ पढ़ा ना कहानी के द्वारा, जो जीवन हुई कहानी है, कोई जीवन प्रसंग है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जैसे गांधी जी है, उसकी पुस्तक सत्य के प्रयोग आप पढ़े तो आपको पता होगा कि किस प्रकार गांधी जी ने आजादी के लिए आंदोलन किया, किस प्रकार वह कई बार जेल गए। तो यह सारी बातों की जानकारी है। आखिरकार गांधी जी ने भी सत्य का मार्ग चुनकर, अहिंसा का मार्ग चुनकर ही हमें आजादी दिलाई है। तो हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह सब भले बुरे, यानी कि कौन सी चीजें हमारे जीवन में अच्छी है, कौन सी बुरी है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हम पुस्तकें पढ़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और पुस्तकें हमें यह फर्क बताती है। उसके बाद लिखा है कि गांधी जी ने कहा है पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो वह किस प्रकार साबुन का कार्य करती है, कोई बताएगा हमें? किसी को पता है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य किस प्रकार करती है? गर्ल्स नो नंबर, नो नंबर, नो नंबर, नहीं पता मिस। नहीं पता? किसी को पता है बेटा? जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो फटाफट से उत्तर दो बेटा। हाँ मिस, सवाल बोलो तो एक बार फिर से। पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, किस प्रकार? गांधी जी ने यह कहा है, बराबर। तो यह किस प्रकार वाक्य सार्थक होता है? मन में जो आजान है, मन के लिए साबुन का कार्य करती है। यह आपको प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पुस्तकों के बारे में क्या कहा। मन के लिए साबुन का कार्य करती है, किस प्रकार? साबुन क्या करता है? मिस मैं बताओ। हाँ बोलिए बेटा। अंधकार है, साबुन को फूल हो जाते हैं, उस तरह हम पुस्तक पढ़ते हैं। और फिर हमारे दिमाग, एक बार फिर से बोलिए बेटा। हम साबुन को जैसे पानी में डालते हैं, थोड़ा हाथ लगाते हैं तो फिण फिण हो जाता है, उसी तरह हम अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में भी आपकी बात सही है, मगर थोड़ा और कुछ सोच कर बताइए।
पहले तो यह बताइए साबुन है वह कहाँ इस्तेमाल होता है? कपड़े धोने में। कपड़े धोने में। कपड़ा क्यों धोते हैं? खराब होता है इसलिए। किस प्रकार खराब होता है? क्या हम काम करते हैं कोई दाग लग जाता है इंक का है फिर खाने का है इसके लिए। वेरी गुड। यानी कि किसके लिए साबुन इस्तेमाल होता है? दाग धोने के लिए। इसी तरह हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे मन के सारे दाग चले जाते हैं। हमारे मन में कौन कौन से दाग है पता है? अंधकार, असत्य और ज्ञान। वेरी गुड। फिर हमारे मन में कई ऐसे बुरे बुरे विचार भी होते हैं, बराबर ने? वेरी गुड बेटा, आपने बहुत हाँ लेक्चर पूरा कर जो ना। एक अज मिनट। हाँ तो पुस्तक जो है वह मन के लिए साबुन का कार्य करती है, अर्थात कि जिस प्रकार मैले कपड़े को साबुन से धोकर उसका मैल मिटाते हैं, उसी प्रकार हमें अनेक जो सारी पुस्तकें हैं उसके अच्छे अच्छे विचार है बराबर वह पढ़कर, जैसे कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो, हमेशा दूसरों की सहायता करो, तो यह जो अच्छे अच्छे विचार है, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे मगर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह सारी बातें जो है वह हम पुस्तकें पढ़कर सीख सकते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में यदि कोई बुरा विचार आ गया कि देखो तो ये इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, एक क्षण के लिए भी यदि यह विचार आ जाता है तो पुस्तकें हमें बताती है कि बुरा करने से उसका फल हमें क्या भुगतना पड़ता है। तो हमारे मन में उस बुरा कार्य करने से रोकने यह पुस्तक जो है वह रोकती है, यानी कि हमारे मन में बुरा कार्य, किसी के प्रति बुरा व्यवहार करने से यह रोकती है। तो पुस्तक हमारे मन के जितना भी मैल दूसरों के प्रति छिपा हुआ है वह पुस्तक हटाती है, और हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है बराबर, यदि किसी के बारे में आप अज्ञान है, जैसे कि आप ले कि बैठे बैठे सोचे कि यह जो सेब का फल है वह ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, तो यह आपको बात जाननी है तो आप विज्ञान की टेक्स्ट बुक खोलेगी, उसमें न्यूटन का नियम है कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण कोई भी चीज है वह पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो आप में जो अज्ञान था उसकी जानकारी आपने ली बराबर, तो हमारे अज्ञान को दूर करती है और इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का संचार करती है, यानी कि हमें ज्ञान देती है। और अनेक पुस्तकों के बारे में